दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉलेज स्टोरिया डॉट इन। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसिलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसिलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस एकेडमी जेई में। अपने से किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फुल इंटरव्यू वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि फुल इंटरव्यू होने वाला है और आपको बताऊंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थिट होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कॉमेंट के इस बार दिया है, आप काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं, तो आपका हम पेड काउंसलिंग कर रहे हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, जो कि वाले 2500 में। आपको डिटेल चाहिए कि कैसे आपको इनरोल करना है, क्या क्या प्रोसीजर है वगैरह सब कुछ, तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर दिस वीडियो और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए आप मुझसे बार बार सुन रहे हो रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, आप सोच रहे हो कि मैंने तो कहा था एमएस रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये एमएस रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ही है? तो हाँ, ये एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही है। अभी इसका नाम जो है कर दिया गया है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले इसका नाम था एमएस रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, हाल ही में इसका रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है इस ईयर या फिर लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसका जो नाम है वो RIT हो गया है, पहले था एमएस RIT। तो इसका कैंपस जो है 92 में बना था, पहले जैसा मैंने बताया आपको इसको एमएस रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बोला जाता था, अब इसको रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ही नाम है, इसका नाम चेंज हो गया है इसका। बैंगलोर में आपको सिचुएटेड है, बैंगलोर में मैं बता दूं तो आपको हेब्बाल करके एक जगह है, तो वहां पे सिचुएटेड है, ये सिटी में सिचुएटेड है, मेन सिटी में सिचुएटेड है और आपको यलहंगा के पास पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका लोकेशन है, सिटी में एकदम है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। कर्नाटका में बैंगलोर में सिचुएटेड है, आपको प्राइवेट कॉलेज है, ऑटोनोमस है, अफिलेटेड है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, AICTE से अप्रूव्ड है, 27 एकड़ का कैंपस है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसमें मिल जाता है आपको, लैब्स मिल जाता है और कैंपस में वाईफाई लगा हुआ है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल और मेडिकल फैसिलिटीज है, ऑडिटोरियम है, बस सर्विस है, कन्वीनियंस स्टोर, मतलब कि कैंपस के अंदर में आपको स्टेशनरी भी मिल जाता है, बुक कॉपी फोटो स्टेट वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कैंपस के बारे में रहा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ पिक्चर्स के बारे में, कुछ ग्लिम्प्स में आपको दिखाता हूँ कैंपस का। कैंपस का काफी अच्छा है, बेहतर है, बट पुराना थोड़ा कैंपस है क्योंकि 96 का बना हुआ, तो पता ही पुराना कैंपस है, बट ये सिटी में सिचुएटेड है, अच्छा बड़ा कैंपस है, इसमें सब कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ इस कैंपस की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बहुत बेहतरीन बात यह है कि आप इसे कैंपस में कितने भी टाइम में घूम सकते हैं, भले एकेडमी के अंदर नहीं जा सकते, एकेडमी ब्लॉक के अंदर में रात में, बट अंदर कैंपस के अंदर में जो एरिया है उसमें आप घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। हम भी 9-10 बजे रात में गए थे इसमें इसके कैंपस में, तो वहाँ पर कोई रोका नहीं था, यहाँ पे आप जा सकते हैं, हॉस्टल के बच्चे भी घूमते रहते हैं, आप भी जाके घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि 9 बजे के बाद या फिर जब कॉलेज का जो क्लास हमारे वो खत्म होता है उसके बाद कोई अलाउड नहीं करता अंदर जाने के लिए, हमारे कॉलेज में सेम वही है, 5 बजे क्लास खत्म होता है सभी ब्रांचेस का, सभी स्कूल्स का, तो अंदर नहीं जाने देते हैं बाहर से जाने बच्चों को, ठीक है। बट इसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसका हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है अंदर में, ऐसा है। और यहाँ पे आपको ये कॉलेज जो करंटली सेकंड नंबर पे चल रहा है बैंगलोर में, जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ये सेकंड नंबर पे चल रहा है, बहुत अच्छा रैंकिंग में आगे है कॉलेज, ठीक है। तो रैंकिंग के बारे में बात की तो यहाँ पे आप NRF रैंकिंग की बात कीजिएगा तो आपको 65 इसको मिला है इंजीनियरिंग के लिए 2021 में, जितने भी NRF रैंकिंग अंदर में कॉलेज आते हैं लगभग 330 कॉलेजेस आते हैं उसमें इसको 65 रैंकिंग मिली है, तो रैंकिंग काफी अच्छी है, टॉप 100 में आती है टोटल ऑल ओवर इंडिया में NRF के अंदर, ठीक है। कोर्सेज की बात कर रहे थे, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी से आप बोलते हैं, MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, BR कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं BE के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है BE का, तो जनरल जो एलिजिबिलिटी होता है वो होता है 45% एग्रीगेट मार्क्स ही होगा आपको PCM में 10+2 में, और आपको 10+2 पास होना पड़ेगा, PCM के साथ आपको मेंस रेट होना चाहिए और 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 45% से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे इंजीनियरिंग करने के लिए, तो बहुत ध्यान कर देखे आप अपना इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए अब इसमें बात करते हैं एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो आप अगर मान लीजिए कर्नाटक के हैं या फिर कर्नाटक के बाहर के हैं तो आपके लिए कॉमेड के हैं,
ठीक है। अगर आप कर्नाटक के बाहर के हैं तो आपके लिए सिर्फ कॉमेट के, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है, उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वरना अगर सिर्फ आप कर्नाटक के हैं तो आपके लिए केसीईटी है, ठीक है। कर्नाटक से बाहर वाले बच्चों के लिए केसीईटी नहीं है, ठीक है। बट इस ईयर थोड़ा चेंज होने वाला है, देखने क्या होता नहीं होता, वो तो बात की बात है, ठीक है। बट अभी जो फिलहाल चल रहा है वो आपको केसीईटी कॉमेट के दोनों एग्जाम हो गया, कॉमेट का रिजल्ट भी आ गया है, काउंसलिंग भी का डिटेल्स भी आ गया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा अब, बट केसीईटी का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इसमें आप दोनों में से किसी से भी आ सकते हैं। कर्नाटक वाले बच्चों के लिए दो दो ऑप्शन है कॉमेट के, केसीईटी दोनों के लिए। और आपको अगर आप कर्नाटक से बाहर के बच्चे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कॉमेट के, उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन है ही, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों एग्जाम के थ्रू आपको प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिलता, आप दोनों इन दोनों में अच्छा रैंक नहीं आया है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां मैंने आपको दे दिया है सारा डिटेल, उनसे बात करके आप सारा प्राइसिंग वगैरह रेट वगैरह सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको एडमिशन दिलवा देंगे, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रीम अवेलेबल है। तो यहाँ पे टोटल 16 स्ट्रीम है, भर भर के स्ट्रीम्स है, जो कि है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। तो भर भर के डेटा यहाँ आपको, यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग के, आप यहाँ पे जो भी स्ट्रीम आपको पसंदीदा, जो कि आपको प्रेफर्ड है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सी डॉक्टर से बात करते हैं तो हम बेसिकली तीन ब्रांच की बात करेंगे, जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस, आईएससी और ईसी, तीनों को 120 सीट्स है और तीनों में आपको डिवीजन होता है इसी सीट्स पे, कॉमेट की का, केसीईटी का और मैनेजमेंट कोटा का डायरेक्ट एडमिशन का होता है, ठीक है। अब हॉस्टल की बात करते हैं, हॉस्टल आपको बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में आपको सिंगल और साथ में शेयर्ड दोनों टाइप के आपको ऑक्यूपेंसी मिल जाते हैं, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों आपको मिल जाते हैं। और आपको दोनों का हॉस्टल जो है कैंपस के अंदर में ही, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको रात में जैसे घूमने का मन किया तो आप कैंपस के अंदर में घूम सकते हैं, अच्छा बड़ा कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं कॉमेट की, तो पिछले ईयर कट ऑफ जो रही थी कंप्यूटर साइंस का 779 पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर में, और आईएससी का 223 पे क्लोज हुआ था, ईसी का 2215 क्लोज हुआ था। तो देख सकते हैं कट ऑफ काफी हाई आता है, आपको अगर अच्छा रैंक है तभी इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन इसी ही मिलेगा। और किसी भी कॉलेज में बैंगलोर में इन तीनों ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहिए, बाकी सारे ब्रांच जो उतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो मैं हमेशा इन तीन ब्रांच को प्रेफर करके चलता हूँ। तो आप इन तीनों में से कोई ब्रांच करना चाहते हैं तो आपके लिए कट ऑफ यहाँ पे अवेलेबल है, इन्हीं के आसपास कट ऑफ इनका रहता है, आगे पीछे थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है पर ईयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फीस के बारे में बात करते हैं, तो फीस यहाँ पे 2,01,960 रुपीज पर ईयर जो रहा था कॉमेट के थ्रू, इसमें एकेडमिक फी लास्ट ईयर अकॉर्डिंग, इस ईयर का भी फी नहीं आया, तो इस ईयर का फी आने के बाद पता चलेगा कि क्या फी रहता है हमारा। तो इसको आप कैलकुलेट किया 4 साल का, तो वो लगभग आपको आ जाता है 8,07,840 रुपीज। तो ये आपको 4 साल का अकेडमिक फी आ जाएगा, जो कि आपको खर्च होने वाला है इस कॉलेज में, ठीक है। अगर आप अकोमोडेशन फी बात करिएगा, हॉस्टल फी और मेस फी का, तो वो 1 लाख पर नंबर रहेगा, मतलब आपको 4 लाख पर 4 साल का आ जाएगा आपको क्या हॉस्टल फी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एकेडमिक फी और हॉस्टल फी दोनों मिला कितना खर्चा आ रहा है, तो वो हमारा आ जाता है लगभग 12.5 लाख के करीब में, ठीक है। तो 12.5 लाख आप 4 साल में खर्च कर रहे हैं एकेडमिक फी और हॉस्टल फी मेस फी दोनों मिला के, तो काफी अच्छा अफोर्डेबल फी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं है, क्योंकि आजकल की जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें काफी हाई रेट्स ऑफ फी होते हैं, बट इसमें उतना आपको खर्च नहीं हो रहा, ओनली 12.5 लाख में आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के बारे में, तो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रहा, पिछले ईयर का जो भी जो डेटा अपलोड किया गया है जिस टाइम का रिसेंट ईयर का, वो रहा 95% प्लेसमेंट परसेंटेज, जितने बच्चों ने इसमें एलिजिबल हुआ, जितने बच्चे एलिजिबल हुए, जितने बच्चों ने रजिस्टर किया, जितने बच्चे एलिजिबल हुए, उसमें से 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। काफी बेहतर प्लेसमेंट है यहाँ पे, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर गया और एवरेज पैकेज 7.66 लाख पर नंबर रहा, ठीक है। तो डेटा देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कितना अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला आपको ये टॉप सेकंड नंबर पे ये कॉलेज आता है आपको बैंगलोर में। और इसका पैकेज जो ये आपने दिखाया गया डेटा वो बिल्कुल सही है, झूठ नहीं है, क्योंकि मैं जब इस कॉलेज को जानता हूँ और इस बहुत सारे बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया है, ठीक है, इस कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज काफी अच्छा है, आप अगर एवरेज बच्चे हैं तो आपको प्लेसमेंट यहाँ काफी अच्छा लगेगा, एवरेज पैकेज ही 7.66 देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स पर, 358 कंपनीज विजिट किए थे यहाँ पे रिसेंट जो प्लेसमेंट हुआ उसमें 1892 ऑफर्स आए, टोटल लगभग 2000 ऑफर्स आए यहाँ पे, 50 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज, 7.66 लाख पर एनम एवरेज पैकेज, और यहाँ पे 95% प्लेसमेंट परसेंटेज रहा।
या आप ईयर वाइज देख सकते हैं कितने कौन से ईयर में कितने बच्चों ने क्या उसमें कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, ठीक है। या वो कि सारी कंपनीज आते हैं जैसे जैसे बाइजूस हो गया, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारी कंपनीज, गूगल, ये सारी कंपनी यहाँ पे आते हैं। तो इनमें से जो कंपनी में है आपका, जो जिसमें आप एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको लक रहेगा या फिर जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जो जिस कंपनी में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप कितना वहाँ परफॉर्म करते हैं अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी भर भर कराएगा, बट उसमें कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द फोर ईयर थ्रू आउट द बीटेक कितना अच्छा रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्लेसमेंट लगने वाला, कितना पैकेज लगने वाला। सो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा, मेरा क्या ओपिनियन होगा। सो आई विल जस्ट से वन लाइन कि दिस इज द बेस्टेस्ट कॉलेज इन बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्टेस्ट कॉलेज है। इसके ऊपर एक और आता है जो कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद एम एस रमैया आता है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट इसमें वर्थ इट होगा। आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे वो कॉमेडिकल, चाहे के सी यू टी, चाहे डायरेक्ट एडमिशन, जैसे भी जा रहे हैं। आपको अगर इन तीनों ब्रांच में कोई ब्रांच ले रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, बिल्कुल वर्थ इट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिव्यू करने के बाद कि इसमें कैसा प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ होता है, कैंपस वगैरह सब कुछ कैसा है। अगर आपको कोई और कॉलेज पे रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं सबको नोट कर रहा हूँ, सबको वन बाय वन कवर करते जा रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से जरूर कीजिएगा, अपने चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता है इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।